दोस्तों एक बहुत बड़ी बैड न्यूज निकल के आई है कि HDFC बैंक आज के बाद क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता। जो लोग क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं HDFC बैंक के, अब वो क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिलेगा। आप कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे तो आपको रिजेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड अब बैंक जारी कर ही नहीं सकता है। ये बात सुन के मैं खुद शॉक्ड हो गया हूँ कि देश का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक, जो क्रेडिट कार्ड या किसी को और जो सुविधा है वो नहीं दे सकता है, उसकी वजह क्या है? मैं खुद जान के हैरान हो गया। पता नहीं इसके अंदर की कहानी और भी कुछ हो सकता है, जैसे कि और भी बैंक, जैसे यस बैंक है, जैसे कि इस बैंक में भी दिक्कत आई थी कुछ लोगों को, लोगों ने पैसे विड्रॉल कर दिए थे। बैंकिंग सेक्टर की एक बहुत, वैसे भी बैंकिंग सेक्टर की इमेज बहुत ख़राब है, और यदि HDFC बैंक के साथ ऐसा कुछ हो गया तो आप मान सकते हो देश की 50% इकोनॉमी ख़राब हो जाएगी, कहीं ना कहीं देश भी बर्बाद हो सकता है। इतना बड़ा बैंक है, मुझे तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था। हालांकि देखते हैं, अभी तक तो बस ये न्यूज़ आई है कि RBI ने बस एक नोटिस जारी किया और बोला है कि पिछले 2 साल से HDFC बैंक की नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एंड पेमेंट गेटवे प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं कस्टमर को समस्या हो रही है। पिछले 2 साल से कस्टमर इस समस्या का सामना कर रहे थे, काफ़ी लोगों को पेमेंट ड्यू, क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स भरने थे, ड्यू पेमेंट पे करना था और यूटिलिटी बिल पे करने थे, LIC काफ़ी उनके पेमेंट्स करने थे या पेमेंट गेट हुए थे, जो मर्चेंट यूज करते हैं उनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ा। इसकी वजह से कस्टमर भी परेशान थे, लेकिन फाइनली RBI ने इसके ऊपर एक्शन लेते हुए बोला है कि आज के बाद में यदि आप अपने बैंकिंग सिस्टम सुधार नहीं सकते हो, उससे पहले आप अपने बैंकिंग सिस्टम को किसी को शेयर नहीं कर सकते हो, सेल नहीं कर सकते हो। इसलिए उसने खास तो उसने क्रेडिट कार्ड के ऊपर बैन लगा लिया है, सॉरी क्रेडिट कार्ड के ऊपर बैन नहीं लगाया, लेकिन क्रेडिट कार्ड को टेम्परेली, न्यू क्रेडिट कार्ड किसी को जारी नहीं कर सकते। ये क्रेडिट कार्ड कुछ दिनों के लिए है, उसके बाद यदि इसकी बैंकिंग सर्विस ठीक हो जाएगी उसके बाद ये फिर से क्रेडिट कार्ड न्यू कार्ड किसी भी कस्टमर को जारी कर सकते हैं। हालांकि ये इसके पीछे की कहानी क्या है मुझे खुद को नहीं पता है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है पीछे की कहानी बहुत ऐसी होती है, उसके अंदर पता नहीं बहुत बड़ा घपला हो सकता है बैंकिंग के अंदर, जबकि 2 साल से बता रहे हैं। एक बार न्यूज़ सामने आई थी कि HDFC बैंक की मैन पावर हाउस में 21 नवंबर को पावर सर्विस, पावर्स की जो फैसिलिटी है पूर्ण रूप से फेल हो गई थी, जिसकी वजह से कस्टमरों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा, काफ़ी कस्टमर इनसे परेशान हुए। मेरा तो यही मानना है कि HDFC बैंक को अपनी सेवाएं को सुधार देना चाहिए। हालांकि RBI ने सही बोला है कि अपनी पहले अपनी फैसिलिटी है जो सेवा दे रहे हो उसको सुधारो, उसके बाद में डिजिटली 2.0 की सेवा लॉन्च करें। RBI ने नोटिस 2 दिसंबर को जारी किया है, इसकी जानकारी मैं आपको अपने स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आप जाके इसको देख ले, आप भी ध्यान से पढ़ ले। ये काफ़ी न्यूज़ चैनल ने शो किया, हालांकि मैं आपको अमर उजाला न्यूज़ की, आपको पूरी अमर उजाला न्यूज़ का एक पेज दिखाता हूँ, उसमें आप खुद पढ़ सकते हैं, आप पोज करके पढ़ लेना। RBI की नोटिस जारी करने के बाद आपके मन में क्या कंफ्यूजन है, आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, क्या ये बैंक के पिछले 2 साल के अंदर आज तक या कुछ भी घोटाले कर रखे हैं या कुछ घपला है? हो सकता है इस बैंक के अंदर भी कुछ ऐसे यस बैंक की तरह कुछ घपला हो सकता है। अभी तक बैंकिंग सेक्टर होती पब्लिकली नहीं करती है, क्योंकि यदि पब्लिकली हो जाएगा तो बैंक तुरंत ही मर जाएगा, दिवालिया हो जाएगा, सब लोग उसके अंदर पैसे विड्रॉल कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं बैंक को लॉस होगा और पूरी बैंकिंग सेक्टर बर्बाद हो जाएगी और एक बैंकिंग सेक्टर की इमेज वो भी खराब हो जाएगी, इसलिए शो नहीं करते। तो आपको क्या लगता है कि RBI ने नोटिस जारी करके क्या संकेत दिया कि बैंकिंग सेक्टर में ये बैंक घपला कर रही थी, या फिर जो बैंकिंग जो सर्विस दे रही प्रॉपरली सर्विस सही ढंग से नहीं दे रही थी, इसलिए इसके ऊपर नोटिस जारी करके इनको अलर्ट किया है कि पहले अपनी जो करंट सर्विस है उसको ठीक करें, उसके बाद में आप आगे के लिए सोचें, और क्रेडिट कार्ड भी उसके बाद में जारी करें, न्यू क्रेडिट कार्ड अभी जारी नहीं कर सकते हो। और आप मुझे कमेंट करके बताएं HDFC बैंक के बारे में आपकी क्या राय है और आपका HDFC बैंक के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा। आज के वीडियो में बस इतना ही, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। बाय।